एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बने उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मुंबई कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी से नाराज उर्मिला ने कहा है कि मेरी राजनीतिक और सामाजिक संवेदनाएं बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हैं, लेकिन मुंबई कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। आर्थिक मंदी को लेकर एक बार फिर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में वेबसाइट की खबर को शेयर करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था मंदी की गहरी खाई में गिरती जा रही है, आखिर सरकार अपनी आंखें कब खोलेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक ली। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें मॉब लिंचिंग में मुआवजे का प्रावधान, ग्रुप सी के चयन में बदलाव किया गया है। अयोध्या मामले में कल्याण सिंह को पेश करने की सीबीआई की अर्जी पर अदालत 11 सितंबर को सुनवाई कर सकती है। बता दें कि अभी तक कल्याण सिंह आरोपी के रूप में मुकदमे की कार्रवाई में नहीं लाए जा सके, क्योंकि उन्हें राज्यपाल होने के नाते संविधान के तहत विशेष अधिकार प्राप्त था, लेकिन एक बार फिर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की है। हालांकि इस बार उन्होंने कहा कि दो हफ्तों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पहले से कम हुआ है। वहीं G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यस्थता पर साफ कहा था कि ये हमारा द्विपक्षीय मसला है और हम दुनिया के किसी भी देश को इस पर कष्ट नहीं देना चाहते। भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे पाकिस्तान को उसके अपने ने आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पार्टी के विधायक रहे बलदेव कुमार सिंह पाकिस्तान छोड़ भारत आ गए हैं और मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में इमरान खान के पीएम बनने के बाद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ गया है। कश्मीर में मुहर्रम के मौके पर आतंकी हिंसा की फिराक में है। आतंकी हमले के मद्देनजर इस साल श्रीनगर की सड़कों पर जुलूस और ताजिया निकालने की इजाजत नहीं दी गई। एहतियातन इमामबाड़ा में ताजिया निकालने को कहा गया है। कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद रहे। पाकिस्तानी क्रिकेट को बड़ा झटका लगा है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के 10 प्लेयर्स ने पाकिस्तान दौरे पर जाने से साफ इनकार कर दिया। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने दौरे के लिए शुरुआती टीम में शामिल खिलाड़ियों को सुरक्षा इंतजामों की जानकारी दी गई थी, लेकिन 10 खिलाड़ियों ने इससे हटने का फैसला किया है। भारतीय वायुसेना ने अपनी गोल्डन एरो 17 स्क्वाड को फिर से शुरू कर दिया है। ये राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली इकाई होगी। वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन पर समारोह में 17 स्क्वाड्रन को फिर से शुरू किया। इसे राफेल विमान के देश में आने पर रिसीव करने की तैयारी मानी जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित राज्य के कई अन्य हिस्सों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि लोग घरों में रहें और डैम, नदियां और तालाब के पास ना जाएं।